Hi you guys, welcome back to my channel. My name is Sakshi. Hope you all guys are doing well. So आज के वीडियो में मैं बात करूंगी मेरे पूरे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बारे में जो इंडिगो एयरलाइंस के साथ था. एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन इंडिगो एयरलाइन एंड आई एम लविंग माई जॉब. इट हैज़ बीन अ लिटिल मोर हेक्टिक एंड यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू अर्न सम मनी. And being a flight attendant is not an easy job at all. You have to, all the things must be on your fingertips. आपको हर चीज़ आना चाहिए. Let's get quickly into the video. I'll start from जहाँ से हमारा HR round हुआ. So I was in PhD. अगर आपको नहीं मालूम है PhD क्या है और उसके बारे में आपको ज़्यादा information चाहिए तो आप मेरी पुरानी video देख सकते हैं, उससे आपको नॉलेज मिल जाएगा कि PhD क्या होता है. तो आई वॉज इन PhD. जब हमारा PhD का फाइनल रिव्यू हुआ उसके बाद जस्ट नेक्स्ट उसके दिन हमारा HR राउंड था, वो भी ऑनलाइन ही था, वर्चुअल सेशन. तो HR राउंड में चार पांच HRs आते हैं और चार पांच बैचेस का एक साथ होता है जो PhD बैच होते हैं उनका. तो चार पांच HR आते हैं और वो बताते हैं आपको कि कौन सी मेल ID है जिसपे आपको मेल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं इंडक्शन वाले दिन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन भेजने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और बहुत सारी चीज़ें उस HR राउंड में डिस्कस होती हैं. HR राउंड हमारा हुआ, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, अपना इन्फॉर्मेशन उनको पूरा भेजा. जब HR राउंड हमारा कंप्लीट हुआ उसके नेक्स्ट डे हमें मेल आता है कि आपका इंडक्शन इस दिन है तो आपको दिल्ली इस दिन आना है. तो वो टिकट्स के साथ आपको वो मेल करेंगे. तो यू विल हैव योर PNR नंबर एंड एवरीथिंग. पूरा डिटेल्स उसमें आपको मेल पे मिल जाएगा कि आप कितना लगेज लेके जा सकते हो एंड ऑल. तो मेल आने के बाद यू विल स्टार्ट पैकिंग अप फॉर योरसेल्फ. आई वुड सजेस्ट कि आप अगर समर्स का टाइम है तो आप फॉर्मल ट्राउजर्स ना रखें, फॉर्मल स्कर्ट ज़्यादा रखो बिकॉज वहाँ पे आई फ्लाई में वही अलाउड होता है. फॉर्मल ट्राउजर्स सिर्फ विंटर्स में अलाउड होते हैं. एंड आई वुड सजेस्ट कि मेकअप का कोई भी सामान लेके मत जाना. जितना आप रैंडम है आपके पास उतना ही खर्च करो, अभी मत खर्चा करो बिकॉज वो जहाँ पे आप जब आप वहाँ पे जाओगे तो वो लोग आपको खुद ही बताएंगे कि आपको कौन से ब्रांड का परचेज करना है एंड क्या क्या परचेज करना है. सो दे विल ओनली टेल यू. सो यू डू नॉट हैव टू वेस्ट एनी मनी ऑन योर मेकअप. जब आप होटल में जाओगे तो आप चेक इन करोगे शाम या दोपहर तक पहुंचोगे जो भी, तो वो दिन आपका पूरा आपको रेस्ट पीरियड मिलेगा. देन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपका होगा इंडक्शन. तो उस वो जो होटल होगा जो भी आपको मिलेगा दिल्ली में, वहाँ से ही होटल वालों की जो कैब होगी या बस होगी वही आपको लेके जाएगी जहाँ पे भी आपका इंडक्शन है. मोस्टली लेमन ट्री होटल में होता है इंडक्शन, बट आजकल में भी कहीं और हो रहा है तो आई डोंट नो अबाउट दैट. तो होटल वाले ही आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं आपके इंडक्शन वेन्यू तक. देन जब आप इंडक्शन के लिए जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, एटलीस्ट 200 पीपल विल बी देयर. सो आपको अपने लिए सीट ढूंढना है एंड ऑल. वहाँ पे सीट ऑक्यूपाई करके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है एंड एवरीथिंग. पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी इफ़ यू हैव एंड एवरीथिंग. तो जो जो वो आपको बताएंगे आपको सारा कुछ लेके जाना है. आपका इंडक्शन उस दिन चलेगा. हमारा इंडक्शन सुबह 9 बजे से स्टार्ट होके शाम को 5 बजे ख़त्म हुआ था. तो बी प्रिपेयर्ड कि इतना टाइम लगने वाला है बिकॉज बहुत सारे लोग रहते हैं. एंड DDVD आपको बनवा के लेके जाना है एंड एवरीथिंग. इंडक्शन के बाद नेक्स्ट डे आपका पहला डे होगा वहाँ पे, तो वो होगा इंट्रोडक्शन डे आई फ्लाई का. तो आई फ्लाई के बारे में आपको हर चीज़ बताएंगे, यहाँ वहाँ के कल्चर्स रूल्स के बारे में बताएंगे एंड एवरीथिंग. तो वो सब आप अच्छे से पढ़ो एंड फर्स्ट इंप्रेशन अपना अच्छा बनाओ क्लास में. आई वुड से मतलब ऐसा भी मत रखो कि लोग आपको अप्रोच ना कर पाए, बट ऐसा भी मत रखो कि लोग आपको बहुत लाइटली लेने लगे. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. देन आपका पहला दिन जो होगा उसमें आपको बहुत ब्रेक्स मिलेंगे एंड एवरीथिंग. AP के लिए एक सर आएंगे, वो आपको समझाएंगे AP क्या होता है एंड ऑल, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे AP के लिए. AP इज एरोड्रोम एंट्री परमिट. सो एयरपोर्ट पे एंट्री करने के लिए आपके पास एक ID कार्ड टाइप एक चीज़ होती है जिससे आपको एयरपोर्ट पे एंट्री मिलेगी. तो वो आपका बनने के लिए 3 बनते हैं टेम्प्ररी, फिर लास्ट आपका बनता है परमानेंट. लास्ट आपका परमानेंट तब बनेगा जब आप 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे एंड टेम्प्ररी बनता है ट्रेनिंग के ही बीच में जब आप एयरक्राफ्ट विजिट के लिए जाते हो. तो सेकेंड डे आपका होगा
सैलो डे. सैलो डे में आपको बताएंगे कि ये स्टाइल यहाँ पे होती है, ये मेकअप होते हैं, आपको ग्रूमिंग के बारे में हर चीज़ बताएंगे, आपको ऐसे रहना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बात करनी है एंड एवरीथिंग. वो होगा आपका सैलो डे में, तो उस दिन ही वो आपको बताएंगे कि आपको कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने हैं जो कि आप आगे जाके यूज़ करोगे एंड रेगुलर आपको वही लगाना है. हेयर स्टाइल कौन सी बनानी है, तो वो आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे एंड पीपीटी पे भी दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा आई फ्लाई में आपको करके आना है. मेरे टाइम पे थर्ड डे से स्टडीज चालू हो जाती थी, बट अभी क्या हो रहा है, थर्ड डे एक और मेडिकल हो रहा है आपके आई फ्लाई जाने के बाद. एक तो आपके आई फ्लाई जाने से पहले होता है जिसमें आप क्लियर करते हो तो ही आपको टिकट विकेट मिलता है, फिर आप जाते हो. अब दोबारा टेस्ट हो रहा है, मेडिकल टेस्ट, थर्ड डे या फिर फोर्थ डे ऑफ योर आई फ्लाई ट्रेनिंग. तो आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट मैंने इतना सुना है जितने लोगों से मैंने बात करी, उसके बाद से आपका रेगुलर स्टडीज चालू होगा. बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, फर्स्ट एड, एयर बस, बेसिक एंड डॉग एंड इमरजेंसी एंड एवरीथिंग. तो बहुत सारे टाइप्स के मॉड्यूल्स होते हैं. मेरा फर्स्ट जो मॉड्यूल था दैट वॉज फर्स्ट एड. तो फर्स्ट एड का 5 दिन का मॉड्यूल होता है. इंस्ट्रक्टर्स अलग अलग भी आ सकते हैं रोज, या फिर रोज सेम भी आ सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू देम. हर दिन आपका क्लास अलग अलग रूम्स में होगा. तो जैसे ही आप एंटर करोगे आई फ्लाई में, वहां पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है, वहां पे आप देख सकते हो आपका बैच नंबर के आगे फ्लोर एंड रूम नेम लिखा होगा वहां. तो उस हिसाब से आपको उस क्लास में जाना है. तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी आपका रिपोर्टिंग है, जैसे मेरा रिपोर्टिंग था 2:00, तो हम लोग 1:45 तक वहाँ पे पहुँच जाते थे, बिकॉज एलिवेटर में भी भीड़ होती है तो आप नहीं जा सकते हो, बहुत टाइम लगता है. एंड आई फ्लाई में 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते आप. फर्स्ट एड मॉड्यूल 5 डेज का होता है, तो देन आपको उसमें हर एक चीज़ सिखाएंगे, लाइक हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट, CPR, हाउ टू गिव CPR, AED. दे विल टेल यू ईच एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग फर्स्ट एड, बी स्टिंग से लेकर, फीवर से लेकर, वॉमिटिंग से लेकर, हर एक चीज सिखाएंगे. एंड यू शुड बी 100% श्योर कि आपको हर चीज आए, हर चीज आप क्लास में सीख जाओ, बिकॉज आपको घर जाके इतना थकान हो जाएगा कि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे. क्लास में अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू. सेकेंडली, जब आप फर्स्ट एड, जब आपका 5 दिन का मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, तो 6 दिन आपका एग्जाम होगा. एग्जाम में सबसे पहले एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो होंगे. तो आपको वो लोग वेबसाइट बताएंगे, लिंक बताएंगे एंड उसमें जाके आपको एग्जाम देना है. 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस में से 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं. अगर आपके 89 आए हैं तो यू विल बी रेलीगेटेड. आपको 90 मिनिमम लाना ही लाना है. एंड देन उसके बाद जब आप वो क्लियर कर लेते हो, देन आपका होता है वाइवा. वाइवा में दे कैन आस्क यू एनीथिंग, जितना भी उन्होंने फर्स्ट एड में पढ़ाया. तो आप ये तो कभी मत सोचना कि क्या इम्पोर्टेंट होगा इसमें, या फिर ऐसा क्या है जो मैं छोड़ सकती हूँ, ऐसा क्या है जो मैं स्किप कर सकती हूँ, जो मैं ना पढ़ूँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. ईच एंड एवरी थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. इन आर प्रोफेशन ईच एंड एवरी थिंग इज इम्पॉर्टेंट. जब आप वो क्लियर कर लेते हो तो फिर यू कैन गो होम. नेक्स्ट डे से ही आपका दूसरा ट्रेनिंग चालू हो जाता है. माइंड वॉज बेसिक एंड डॉग. बेसिक एंड डॉग में इंडिगो की पॉलिसीज एंड एवरी थिंग दे विल टीच यू. व्हीलचेयर पैसेंजर्स के बारे में बताते हैं. वो भी 6 या 6-7 दिन का मॉड्यूल होता है. उसके बाद भी सेम आपका एग्जाम होता है. एयरबस में दे विल टेक यू टू द रियल एयरक्राफ्ट. पहले पढ़ाएंगे, देन उसके बारे में रियल एयरक्राफ्ट में जाके समझाएंगे कि ये जो बताया था ये है, ऐसा काम करता है, ये वर्क करता है एंड एवरीथिंग. तो आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे ऐसे ऐसे यूज़ होती हैं. फिर एयरबस आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें डोर ओपनिंग, क्लोजिंग एंड एवरीथिंग सिखाते हैं एयरबस मॉड्यूल में. फिर आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी कराते हैं डोर ओपनिंग, क्लोजिंग रियल एयरक्राफ्ट का. सो दैट इज़ वेरी हैवी, सो बी प्रिपेयर्ड. तो दे विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग. यहाँ से पकड़ना है, फिर खोलना है एंड एवरीथिंग दे विल टीच यू. जब आप बहुत सारे मॉड्यूल्स, 4-5 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर देते हो, देन आपका मॉड्यूल आता है इमरजेंसी. इमरजेंसी मॉड्यूल इज द मेन मॉड्यूल. आपको इवैक्यूएशन, इमरजेंसी लैंडिंग्स, क्रैश लैंडिंग्स, इन सब के बारे में बताएंगे. वाटर लैंडिंग्स हो गया या क्रैश लैंडिंग हो गया एंड एवरीथिंग. तो हर चीज़ बताते हैं कि इस
टाइप के इस सिचुएशन में आपको ये करना है, कैप्टन ये बोलेगा, क्रू ये बोलेगा, कमांड्स एंड एवरीथिंग दे विल टीच यू, और आपको उसको वर्बली बोलना है चिल्ला चिल्ला के. इमेजिन कि आप एक रियल एयरक्राफ्ट में और रियल इमरजेंसी लैंडिंग का सिचुएशन है, तो आप कितना जोर से चिल्लाओगे ताकि सारे पैसेंजर्स को सुनाई दे. आपको उतना जोर से इंडिविजुअली चिल्लाना है. देन पूरा चिल्लाने का प्रैक्टिस होता है इमरजेंसी में. दे विल टेक यू टू FWSTC. FWSTC एक एयरक्राफ्ट का एक मॉकअप टाइप का रहता है, मतलब रियल एयरक्राफ्ट नहीं होता है, बट वो एयरक्राफ्ट के शेप का होता है. उसके अंदर बिठा के आपसे करवाते हैं, आपको बुलवाते हैं, एंड सारे कमांड्स, सारी अनाउंसमेंट्स लाइक सीट बेल्ट अनाउंसमेंट एंड एवरीथिंग जो कि कैबिन क्रू करते हैं, पेज फॉर डॉक्टर एंड ये सब, तो वो सब आपसे कराते हैं वहाँ पे. देन ये जब हो जाता है तो आपका 7 days का इमरजेंसी होता है, तो आपको उसमें हर चीज आनी चाहिए, मतलब एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपको. देन आपका एग्जाम होगा उसके नेक्स्ट डे या फिर एक दिन छोड़ के आपका इंडिगो एग्जाम होगा. इंडिगो एग्जाम इज द मेन एग्जाम. इंडिगो एंड DGCA आर द मेन एग्जाम्स ऑफ द होल लाइफ लाइट ट्रेनिंग. इंडिगो एग्जाम में दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द मॉड्यूल, किसी भी मॉड्यूल से कोई भी क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन इमरजेंसी से आता ही आता है जिसमें वो आपको कमांड्स कराते हैं. एक क्वेश्चन ब्रीफिंग्स का आता है जो कि आपको याद करनी है, एंड एक क्वेश्चन आता है फिर आपसे डोर ओपनिंग क्लोजिंग कराएंगे, और बाकी क्वेश्चंस आते हैं बेसिक एंड लॉक के. हर एक मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकते हैं. यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि कुछ भी पूछेंगे तो आपको जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितने भी आपका बुक में लिखा हुआ है, सारा का सारा आपको सारे मॉड्यूल से पढ़ना है. देन नेक्स्ट डे या फिर उसके एक दिन छुट्टी के बाद DGCA एग्जाम अगर आपने पास कर लिया है तो आपने पूरा आईफ्लाई ट्रेनिंग पास कर लिया है. उसके आगे बस आपका कस्टमर सर्विस है एंड नथिंग एल्स. तो DGCA एग्जाम भी सेम इंडिगो की तरह ही होता है. तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है. दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, डोर ओपनिंग क्लोजिंग करना है, कमांड्स बोलने हैं एंड एवरीथिंग. अगर आप पास हो तो पास हो, अगर आप क्वेश्चंस बता लेते हो तो आप पास हो, अगर आप नहीं बता पाते हो, अगर आप हिचकिचा रहे हो तो वो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट एट ऑल. वो बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे, आप और नर्वस हो जाओगे एंड वो आपको फेल कर देंगे. सो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप नर्वस हो रहे हो वहाँ पे जाके, जब आपने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं तो यू कैन क्लियर दैट ऑल्सो. कुछ भी डरने की बात नहीं है. बी कॉन्फिडेंट एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ, आई नो ऑल द आंसर्स एंड आई कैन गिव द आंसर्स कॉन्फिडेंटली. दैट्स इट. जब आपका DGCA भी हो जाता है, आपको एक दो दिन का छुट्टी मिलता है एंड देन आपका कस्टमर सर्विस स्टार्ट होता है. कस्टमर सर्विस में आपको सुबह का शिफ्ट रहता है 6-7 घंटे का, तो उसमें आपको देन आपको 11 दिन का कस्टमर सर्विस करना पड़ता है. उसमें आपको सिखाते हैं क्या क्या हमारे पास फूड आइटम्स होते हैं, केटरिंग कैसे आती है, क्या करते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं. 1 minute and 15 seconds में वो उनका मैक्सिमम टाइम है. वो लोग टाइमर लगा के काउंट करते हैं लिटरली कि 1 minute and 15 seconds में आपको ऑर्डर लेके फूड एंड बेवरेज दोनों का घूम के प्रिपेयर करके उनको रिटर्न कैश भी करना है, कैश कलेक्ट भी करना है, प्रिपेयर करके आराम से सर्व भी करना है, ट्रे टेबल भी ओपन करते हैं, जस्ट इन 1 minute and 15 seconds. दैट्स इट. यू शुड डू इट, अदरवाइज दे विल फेल यू इन कस्टमर सर्विस ऑल्सो. अगर आप वो टाइम लिमिट के अंदर, आपको 2 मौके मिलेंगे, अगर आप वो टाइम लिमिट के अंदर नहीं करते हो दे विल रेलीगेट यू. आपको पूरा कस्टमर सर्विस दोबारा से करना पड़ेगा. बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी मेरे बैच में नहीं बट दूसरे बैच में जो कि रेलीगेट हो के आ रही थी, और जब हम लोग लंच ब्रेक में मिलते थे तो दे यूज टू टेल अस कि यार अच्छे से करना, दे हमें तो रेलीगेट कर दिया था, हम दोबारा से आए हैं ये वो करके. तो बी केयरफुल. जो फर्स्ट डे से ही आप उस चीज़ को तैयार करने के लिए कोशिश करो कि अगर उन्होंने बोला है 1 minute and 15 seconds तो मेरा 1 minute and 15 seconds के अंदर होना ही होना चाहिए. ये सब हो जाता है. फिर आपका इंटरनेशनल नेशनल के हिसाब से अलग अलग सिखाते हैं ऑर्डर टेकिंग एंड ऑल. उसके बाद जब आप कस्टमर सर्विस एग्जाम, 2 exam भी होते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, अलग अलग दोनों दिन,
सिचुएशन हैंडलिंग और बहुत सारी चीज़ें कस्टमर सर्विस में ही सिखाते हैं। तो जब आपका ये हो जाता है फिर आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, ये हंसना खेलना रोना, किसी के कम मार्क्स आने पे दुख होना, सबको साथ में, आप एक फैमिली के जैसे बन जाते हो, एक पूरा बैच एक फैमिली की तरह बन जाता है। तो इट इज़ हार्ड टू लीव समवन जो कि आपके इतने ज़्यादा क्लोज हो इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे आपका 3 महीने का ट्रेनिंग साथ में हुआ है, हर चीज़ साथ में, एंजॉय आपने साथ में किया, स्टडीज आपने साथ में करी, तो उसके बाद अब आप लोग नेक्स्ट डे अपने घर आ जाते हो। आपको रिलोकेशन करा के एक दिन के लिए आपके पास चॉइस होता है, या तो आप अपने बेस दिल्ली से डायरेक्ट जाओ या फिर आप अपने घर होके नेक्स्ट डे वहाँ से जाओ। तो मैंने अपना घर चूज़ किया था, तो मैं जैसे मेरा 6 जनवरी को ग्रेजुएशन था, 7 जनवरी को मैं दिल्ली से अपने घर गई एंड देन 8 जनवरी को मैं बैंगलोर आई। तो बैंगलोर में हमें 15 डेज का अकोमोडेशन मिलता है होटल में, वहाँ पे आप रह सकते हो एंड तब तक आपको अपने लिए घर ढूंढना होता है। तो हमारा एपी भी नहीं बना था तब तक परमानेंट वाला, तो हमारा 15-20 दिन का छुट्टी था, तो मैं होटल में ना रह के थोड़े दिन होटल में रही थी, 1 हफ्ता, और उसके बाद मैं फिर से अपने घर चली गई थी। जब तक मेल नहीं आता तब तक आप अपने घर जा सकते हो, तो फिर जब मेल आता है आपको एपी का तो आप वापस आ सकते हो एंड नेक्स्ट डे से ही, जैसे ही आपको एपी कलेक्ट करने का मेल आएगा नेक्स्ट डे से ही आपका फ्लाइट शुरू हो जाएगा। तो फैम फ्लाइट होता है, सबसे पहले फैमिलाइजेशन फ्लाइट होता है, तो उसमें आपको हर चीज़ से, उसमें आप एक एक्स्ट्रा क्रू ऑन बोर्ड होते हो, तो उसमें आपको हर एक चीज़ से इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि ये चीज़ ऐसे एज मतलब एयरबस में भी आपको लेके जाते हैं, बट उस टाइम आपको नहीं समझ में आता है, जब पैसेंजर्स और क्रू आप ऑब्जर्व करते हो क्रू को कि वो कैसे काम कर रहा है, कौन से इंडिकेशन पे क्या काम हो रहा है, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो आजकल 2 फैम फ्लाइट्स हो रही हैं, 2 दिन की फैम फ्लाइट्स हो रही हैं, तो आप 2 दिन जाते हो सीखते हो एंड देन 3rd डे से आपका सोलो फ्लाइट होता है, तो आपको अकेले फ्लाई करना है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम एंड आई होप कि जो जो लोग क्रू बनना चाहते हैं उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।